हेलो। हाँ दी हो गई भाई। तुझे जब भी फोन करिए ना तो तूने तो कभी फोन उठाना ही नहीं होता। अब बोल तो तेरा नंबर ही नहीं मिलता। सर सब ठीक ठाक तो है ना? मेरा पुत्र तो खुश तो है ना? आंटी एक्चुअली मैं सहर भाभी की नन बात कर रही हूँ। वो जाते हुए फोन घर पर छोड़ गई। हो अच्छा अच्छा पुत्र, मैं समझी सर। और सब खैर खैरियत तो है ना? छोटा ठीक है? मुन्ना बेबी तो बिल्कुल ठीक है। उसके आने के बाद तो बहुत रौनक हो गई है। शुक्र है अल्लाह तेरा लक्का मेरी शुक्र है। जरा छोटी सी गल तो करा दे, उसकी आवाज तो सुना दे मुझे। अच्छा मैं आपकी बात कराती हूँ। ये देखो नानी से बात करो। हेलो क्यूट बेबी है ये, बातें भी करता है ना। छोटू मैं नानी मैं तू यहाँ पे क्या करने आया है? मना किया से ना तेन के ना आई होने थे। किदे ना गल्ला कर दी पीसी चाची। जिससे मर्जी गल्ले करूं तू मामा लगता है। तुझे कहा था ना कि यहाँ ना आया करते, फिर की करना है ना? मेरा पता है तेरे ना। हाय चल खर्ची काट। कादी खर्ची दे आते नु है एड़ा तो पलवान के तरह में भी। और एक दफा जो देना था, जो कुछ मेरे पास था वो तुझे दे दिया। चल निकलता बन। ठीक है वसूली बड़ी सोहनी आती मुझे। लिया दे फोन गल कराऊंगी। नहीं देंगी। और जो तू समझ रहा है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सार से गल नहीं हो रही थी, किसी और नाल गल कर रही थी मैं। फोन दे। नहीं दांगी मैं फोन। मेरे को मार ना खड़ी। मैं चल मार पर जाके तेरी अंदर। नहीं दा हट भैया मौत पैना। हाँ खाला क्या हुआ? क्या तुझे आए किसे की आई पर जा रहा? क्या हुआ खाला? सब खैरियत है ना खाला? मैं तो कहती हूँ तू ना अपनी बेटी के पास चली जा, ये ना तुझे ना जीने नहीं देगा। तुझसे चाहता क्या है ये? अल्लाह ही से पूछेगा मौत मेरे को आई है। हालत सबर का पता नहीं मारा पीछे क्यों नहीं छोड़ रहा, गोली बज रहा है। अल्लाह ही पूछेगा तुझे।